दोस्तों ये वोल्टास की रेटर एसी है, तो इसका हमारा यहाँ से वाल लीक है, तो हमें वाल चेंज करना है। तो फिर आपने इसको खोल लिया है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको खोल रहे हैं, अभी बहुत धूप हो रही है दोस्तों, गर्मी तो आ ही गई है। तो गाइस हमने इसका पुराना निकाल दिया है, तो अब ये नया वाला सोल्डिंग करने जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ से काट करके इसमें सूजिंग किया हुआ है, और ये इस तरह से बैंड हुआ है। तो ये वाला जो हमारा था ये सीधा सीधा था, खड़ा खड़ा, तो और ये वाला हमने इसको घुमा दिया है, ऐसे ही बैंड कर दिया है और इसको काट कर हटा दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से था, तो हमने इसको काट के हटा दिया है, तो इससे हमारा आसानी से इसमें लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों इसको सोल्डिंग करने जा रहे हैं अब हम, और इसको सोल्डिंग करते वक्त हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हम अकेले हैं इस वक्त काम करने में इसमें, और हमारा सारा सिस्टम तैयार है दोस्तों। तो अब हम इसे सोल्डिंग कर देंगे, और आप भी इसी तरह से लगा सकते हैं। और इसमें सावधानी की बात यह है कि इसके अंदर अभी एक वाल लगा हुआ है जो इसको लॉक करता है, तो हम उसे खोल करके बाहर निकालेंगे, अभी वो हम आपको दिखाएंगे। वो एलकी के सहारा से निकलेगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों इसमें ऑल है इसके अंदर, तो आप इसको निकाल लेंगे, इसको नहीं निकालेंगे तो इसमें रबड़ लगा होता है वो पिघल जाएगा सोल्डिंग करते समय, क्योंकि सोल्डिंग करने में टाइम लगता है, तो उतनी देर में तो ये पिघल जाएगा, तो इसलिए हम एलंकी से इसको निकाल लेंगे। 10-5 नंबर की एलंकी लगेगी इसमें। दोस्तों हमारा वाल टाइट इसमें सोल्डिंग हो गया है, तो अभी हम इसको फिटिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फिटिंग हो गया है सोल्डिंग, और हमने इसको कर दिया है। तो ये कैपलरी है, तो इसको हम घुमा लेंगे, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ये हमारा वाल ऊपर को होना चाहिए, तो वो हम घुमा कर एडजस्ट करके आपको अभी दिखाएँगे। दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, और हमने इसमें भूल से हमने जो इसका वाल सोल्डिंग किया है, तो ये हमारा हाफ का यहाँ प्लेट टाइप होगा, तो ये नीचे की तरफ हो गया है, इसको ऊपर की तरफ होना चाहिए था, तो इसके लिए हमें इसे फिर से खोलना पड़ेगा। सोल्डिंग तो कर ही चुके हैं।